चुनावी मौसम है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। आज नामांकन से पहले एक जबरदस्त रोड शो भी हुआ। राहुल ने कहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ाई है। उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई की एनी राजा इस बार वहां से चुनौती दे रही है। तो वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना पक्का है। अपनी बहन प्रियंका के साथ पहले वायनाड के लोगों का मूड भांपने के लिए रोड शो किया, फिर पर्चा भरा। नामांकन के बाद राहुल ने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। दिस इलेक्शन इज ए फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑन वन साइड आर द फोर्सेस दैट वांट टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अ फोर्स दैट इज प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ आवर कंट्री। सो दैट्स व्हाट द फाइट इज अबाउट। इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू हु इज ऑन व्हिच साइड। इट इज वेरी क्लियर हु इज अटैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज अटैकिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। नामांकन से पहले घंटे भर के रोड शो से इतना तो साफ है कि वायनाड में राहुल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों में जबरदस्त जोश है। उस जोश ने राहुल को भी जज्बाती बना दिया। उन्होंने कहा कि वायनाड उनका घर है और यहाँ के लोग उनका परिवार। अब चुनावी राजनीति की उलट बांसी देखिए कि दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्से तक जिस सीपीआई से कांग्रेस मंच साझा करती है, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दम भरती है, उसकी उम्मीदवार एनी राजा ने भी वायनाड में रोड शो किया और पर्चा भरा। I as a left front candidate is contesting here to win, and I am not bothered about what will be his majority or what will be his fate. We are here, we are reaching out to people, we are telling them what is our politics, what is our positions on all national issues. Our confidence is with the people and their response. So we are confident. We are here to contest and win. रही बात बीजेपी की, तो उसने केरल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतार दिया है। राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड सीट पर 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक सीट अमेठी से हार गए थे। इस बार अमेठी से कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, इसीलिए वायनाड पर एक नजर रखते हुए लोगों की दूसरी नजर अमेठी पर टिकी है कि वहां से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों को झटका लगा। हाल ही में सालों के नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 8 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इलाके में कुख्यात नक्सली पापा राव की मौजूदगी का इनपुट भी मिला था, जिसके बाद बीजापुर के थाना प्रभारी और तमाम लोग सुरक्षा बल यहां पर पहुंचे थे। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। गोलियों की आवाज गंगालूर के जंगलों से आई। 8 घंटे बाद जब थमी तो 8 नक्सली ढेर थे। सुरक्षा बलों ने इलाके से कई हथियार भी बरामद किए। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में लाखों का इनामी नक्सली पापा राव मौजूद है, जिसे घेरने 2 अप्रैल को ही मुतवेंडी, पालनार, गंगालूर, बासागुड़ा, चेरपाल से सुरक्षा बल के जवान हथियारों से लैस होकर जंगल में दाखिल हुए। कोर एरिया में दाखिल होते ही इनका सामना नक्सलियों से हुआ। सुबह 6 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ पूरे दिन जारी थी। बावजूद टीएससी ओसी के बीच जवानों की युद्ध नीति नक्सलियों पर भारी पड़ गई और बासागुड़ा में 6 माओवादियों को ढेर करने के बाद साल के सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम देने में जवान सफल रहे।
वेस्ट बस्तर डिवीजन के तो सारे जो हमें सूचना मिली थी उसमें जो जितने भी वेस्ट डिवीजन के सचिव भी थे, बाकी लोग भी थे, एसजेडसी मेंबर्स भी की भी सूचना मिली थी, जिस पर से हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। जो हमारे जो ईएफ हुए, कई मल्टीपल एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए हैं, मॉर्निंग लगभग 4:45 के बाद से शाम को 4 बजे तक लगभग लगातार फायरिंग होती रही दोनों तरफ से, और इसके बाद जब हमारी सर्चिंग हुई तो हमें 13 शव जो हमने बरामद किए नक्सलियों के। 80 के दशक में दंडकारण्य में नक्सलियों ने पैर पसारना शुरू किया था। बीते 2 दशकों में गुरुल्ला युद्ध में दक्ष नक्सलियों ने TCOC यानी टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के दौरान बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया है, फिर चाहे ताड़मेटला की बात हो या झीरम घाटी का खूनी नरसंहार। TCOC के दौरान 3 अप्रैल 2021 में सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। 21 मार्च 2020 को सुकमा के मिनपा इलाके में नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा जिले में एक नक्सली विस्फोट में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 24 अप्रैल 2017 को बुरकापाल हमले में CRPF के 25 जवान शहीद हुए थे। साल 2010 में ताड़मेटला में हुए सबसे बड़े नक्सली हमले में 76 जवानों की शहादत हुई थी। हालांकि अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। ये पहली बार है जब TCOC के दौरान माओवादी संगठन को उनके गढ़ में मुंह की खानी पड़ी है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक जवानों ने करीब 43 माओवादियों को ढेर कर दिया है। इनमें से करीब 25 माओवादियों को TCOC के दौरान ही एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस अवधि में 181 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 120 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मारे गए 13 माओवादियों के शव के साथ बरामद जो वेपन्स है और अन्य सामग्री विस्फोटक जो है वो जिला मुख्यालय लाया गया है। देखिएगा 13 माओवादियों के शव यहाँ रखे गए हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि ये जो मारे गए नक्सली हैं इनकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, और ये साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि ये जो मारे गए माओवादी हैं ये माओवादियों के PLGA प्लाटून नंबर 2 के सदस्य हैं। बीजापुर का गंगालूर इलाका, जिसे कभी माओवादियों की अघोषित उप राजधानी भी कहा जाता था, अब यहाँ कई इलाके में सुरक्षा बलों ने कैंप बनाकर नक्सलियों को पीछे धकेल दिया है। बीजापुर से मुकेश चंद्राकर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। राजस्थान में मानव अंगों के रैकेट पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर जाली कागजातों का प्रयोग हो रहा था। ACB ने SMS अस्पताल के अधिकारी को पकड़ा। ये सरकारी अस्पताल है। बताया जा रहा है कि ये जाली सर्टिफिकेट जारी किया करते थे। फोर्टिस अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार किया गया है। 12 अस्पताल ACB के रडार पर हैं। मुंबई के भी कुछ अस्पतालों ने NOCs जारी किया है। जांच होगी कि इनमें कितने जाली थे। जयपुर के फोर्टिस और EHCC अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ये संजय सिंह बाहर आ गए, आम आदमी पार्टी के नेता। कल से ही इस रिहाई के इन दृश्यों का इंतज़ार हो रहा था। कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था किस तरह से कोर्ट से रिलीज ऑर्डर पहुंच गए हैं तिहाड़ जेल, लेकिन जो ये प्रक्रिया थी इस पर कुछ घंटे का समय लगा। तमाम इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूरा करनी थी, ये हम देख सकते हैं। संजय सिंह 6 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी रिहाई संभव हो पाई है। सुबह से ही ये कार्रवाई हो रही थी, नजरें थी कि कब संजय सिंह रिहा होंगे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत कि उनका ये नेता अब जेल से सलाखों के पीछे से बाहर आ गया है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। संजय सिंह फिलहाल जेल से बाहर निकल गए हैं। उनका जो रिलीज ऑर्डर था वो पहुंच गया था करीब 1.5 घंटे पहले। उसके बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी हुई और जेल नंबर 5 के अंदर वो बंद थे, और अब से कुछ देर पहले वो जेल के बाहर निकल गए हैं। और जैसा कि शरद बता रहे थे कि वो यहाँ से निकलकर सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। वहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। तो आज काफी अहम दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, और जिस तरह से कल से लगातार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से ऐसा लग रहा था कि उनकी जो रिहाई है वो कल हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ट्रायल कोर्ट आया। ट्रायल कोर्ट ने बेल की जो कंडीशन है वो तय की, और फिर ट्रायल कोर्ट से उनका रिलीज ऑर्डर जो है तिहाड़ जेल गया। तिहाड़ जेल में जाने के बाद जेल नंबर 5 के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं उन्होंने जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी की, जिसमें
जो जेल का रजिस्टर होता है उसमें साइन करने होते हैं, और साथ में जो कैदी होता है उसकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं जेल के अंदर वो सब वापस करनी होती हैं। तो इस प्रोसेस में करीब डेढ़ घंटे का वक्त लगा, डेढ़ से दो घंटे का वक्त लगता है, और उसके बाद जो संजय सिंह हैं वो फिलहाल जेल से आजाद हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में वो बेल पर हैं, लेकिन जैसा हर केस में होता है कि बेल पर रहने के बाद भी आपको ट्रायल फेस करना होगा। ये मामला पूरा चल रहा है शराब पॉलिसी का, जिसमें वो एक्यूज्ड हैं, जिसमें छह महीने से लगातार वो जेल में हैं, उसका जो ट्रायल है वो पूरा फेस करना होगा। और फिर जब भी इस केस की जो आयु है, जैसा कि कोर्ट ने कहा है, जो कंडीशन है, जब भी आयु इस केस के उनको बुलाएंगे, उनको हाजिर होना होगा। जब वो दिल्ली एनसीआर के बाहर जाएंगे तो उनको अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करनी होगी और आयु को इन्फॉर्म करने होगा, और किसी भी गवाह को वो प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो सबूत है उनको नष्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सारी बेल की जो कंडीशन है वो लागू की गई हैं, और उनके बेसिस पर उनको फिलहाल जेल से बेल पर रिहा कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि इस मामले में जब ट्रायल होगा तो उस दौरान जो ईडी है वो उनके खिलाफ क्या क्या सबूत पेश करती है। जी बिल्कुल, और कानूनी जो प्रक्रिया आपने कहा कि वो तो चलती रहेगी, वो अपने आप में तमाम शर्तें भी आपने गिनाई कि किस तरह से अगर वो दिल्ली एनसीआर से बाहर जाते हैं तो उनको अपना शेड्यूल बताना होगा ईडी को, साथ ही पासपोर्ट सरेंडर तो करना ही होगा और नंबर भी अपना ऑन रखना होगा। तो ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं और ऐसे में काफ़ी सक्रिय ये रहे हैं चुनावी तमाम रणनीतिकार हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसे में अहम है इनका बाहर आना भी। देखिए बिल्कुल, ये जो शर्तें हैं ये हर मामले में कॉमन होती हैं, और खासतौर से जो बड़े मामले होते हैं, जो सेंसिटिव मामले होते हैं, उनमें जो कोर्ट है वो एक्स्ट्रा शर्तें लगाता है, ताकि जो क्योंकि इसमें ये इतना बड़ा केस है कि इसमें सभी आरोपी काफी हाई प्रोफाइल हैं, कोई सांसद है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई आबकारी मंत्री था, तो इस बात का डर हमेशा रहता है कि ये लोग हाई प्रोफाइल हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, और उसी बिना पर जो दिल्ली के डिप्टी है, ये वक्त खुशी मनाने का नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का है। अभी हमारे तीन बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, और जब तक वो नहीं टूटेंगे हम लोग खुशी नहीं मनाएंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे।